ते श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललिता सियपे की आरती श्री रामायण जी ब्रह्मा नित मुनि नारद वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद सुखसन कादि से सो और सारद सुखसन कादि से सो और सारद श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दश गावत वेद पुराण अष्ट दश छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोयस मुनि जन धन आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी ओ गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी प्यास आदि कवि वरज बखाने प्यास आदि कवि वरज बखाने आगो भूसो करुण के एक आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण की कलिमल हरण विषय रस पीके कलिमल हरण विषय रस पीके सुभग सिंगार मुक्ति जुबती के सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरे अमी की दलन रोग भव मूरे अमी की तात मात सब विद तुलसी के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललिता सियपे के ओ आरती श्री रामायण जी की भवानी सैतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे
पुष्पै देवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः प्राणाय पुरुषोत्तमाय शांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगेन्द्र दैतेप्सित मावधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक
मंगल मूरति सदगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारम बार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हे सकल सुपूजन भो जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाए जनम जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाए अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मा गत पाहे प्रभो अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहे प्रभो दस सी विरासन बीस भुजा कृत दूरी महा मही भूरी रुजा दस शीस विरासन बीस भुजा कृत दूरी महा मही भूरी रुजा रजनी चर बिंद पतंग सर चाबक तेज प्रचंड रहे सर चाबक तेज प्रचंड रहे जय राम जय राम जय राम सायक चाप निशंग बरम महिमंडल मंडल चारु तरम द्रत सायक चाप निशंग बरम मद मोह महा ममता रजनी
तम पुंज दिवाकर तेज अनी मदवो महा ममतार जनी तम पुंज दिवा कर तेज अनी मन जात की रात निपात किए मन जात की रात पात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं है मृग लोग कुभोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ निपाही हरे अतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषया वन पावन भूल परे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम ताली सेवा करते हुए बहुरोग बियोगन लोग है भवदंघ निरादर के पले बहुरोग बियोगन लोग है भवदंघ निरादर के पले अब सिंधु अगाध पर नरते पद पंकज प्रेमन जे करते भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते अति दीन मलीन दुखी नित ही अति दीन मलीन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं श्री राम 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 श्री अबुलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके अबुलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ
दातिन के सम वैभव बाबिप दा नहीं राग न लोभ न मान मदा दिन के सम वैभव बाबिप दा रहते तब सेवक होत मुदा अहिते तब सेवक होत मुदा मुन त्यागत जोग भरोस सदा कर प्रेम निरंतर नेम लिए कर पंकज सेवत सो संत सुखी विचरंत महे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम ताली से बजाते हुए हरि बोल पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागत मान हरि तब नाम जपामि नमामि हरे भव रोग महागत मान हरे गुणशील कृपा परमायतन गुणशील कृपा परमायतन श्री रघुनंदन कंदय त्वंद घन रहि पाल लोक दीन जन श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान के नव पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम। हेलो
सीताराम। परमानंदमय श्री रामचरितमानस परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक दीन बंधु करुणा सिंधु कृपा सागर दया सागर राम राजा सरकार पूर्वतः विराजमान अनंत श्री समलंकृत परम विरक्त परम तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री सुनाम से आए समस्त अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन भक्तिमती माता एवं स्नेहमयी बहनों आइए हम लोग श्री राम कथा रसायन पान करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। कल के सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान कितने करुणावान है। चित्रकूट में भगवान आए हैं, चित्रकूट में चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो कहते हैं सुंदर चित्त ही हमारा चित्रकूट है। सुंदर चित्त चारों यानी सुंदर
सुंदर चित्त, चित्त में कोई दोष नहीं हो, कोई मल विक्षेप नहीं हो, कोई विकार नहीं हो, और जहां पर श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी सतत प्रवाहित हो रही हो, और यहां जहां सतत कथा रूपी मंदाकिनी प्रवाहित होगी, जहां सुंदर चित्त होगा, वहां श्री रघुवीर विहार, वहां श्री रघुवीर और जानकी जी का विहरण होगा, रमन करते हैं प्रभु। प्रभु सब कुछ भूल जाते हैं सुख दुख को और वहां रमन करते हैं। प्रभु अच्छा एक बात थी, कल श्रवण कर रहे थे कि जयंत इंद्र का पुत्र है, जयंत आया था प्रभु को आंकने के लिए, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन जयंत हार गया। प्रभु ने बिना फर का एक बाण मारा, फर मतलब जिसका अग्रभाग जो लोहे का होता है वो नहीं था, यानी बाण तो था ही नहीं, एक सीख था, सीख धनुष सा एक संधाना, जिस सीख से माला बना रहे थे। जैसे पहले सुई धागा की व्यवस्था नहीं रही होगी तो ये जो नारियल के सीख होती नहीं है, सीखों वाली झाड़ू जिसके बनती है नारियल के, इस तरह की सीख होती थी जिसमें माला पिरो पिरो करके उसी से लपेट दिया जाता था, वही हाथ में था प्रभु को, उसी में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किसी ने उनको रखा नहीं, इंद्र के पास गए, पिता के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, किसी ने रखा नहीं। क्यों? आपने एक दोहा सुना होगा कि शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमानी, तेनर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। यानी शरणागत में, शरण में आए हुए व्यक्ति को जो छोड़ देता है, ठुकरा देता है, उस व्यक्ति का मुंह देखने लायक नहीं रह जाता है। भगवान का संकल्प है कि मम पन शरणागत भय हारी, मेरा पन है, मेरा संकल्प है कि जो शरण में आए उसके भय का हरण करो, उसको निर्भय बना देना चाहिए। जो व्यक्ति शरण में आए हुए को ठुकराएगा वह मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी शिव जी सबने ठुकरा दिया, क्यों? इसका मतलब है क्या वो लोग राम जी की संप्रदाय के नहीं थे? क्या वो राम जी के अनुशासन को नहीं जानते थे? जानते थे, फिर क्यों नहीं रखा किसी ने? गोस्वामी जी ने एक शर्त रखा वहां कि शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमानी। जो व्यक्ति यह सोच करके शरण में आए व्यक्ति को हटा भगा देता है कि इसके रहने से मेरा नुकसान होगा और अपना नुकसान समझ कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको रखें और प्रभु श्री राम का कोप का भाजन बनना पड़े, श्री राम हम पर नाराज हो जाएंगे, इसके रहने से नुकसान है, अपना नुकसान समझ कर यदि वह व्यक्ति शरण में आए हुए व्यक्ति को ठुकरा देता है, दूर कर देता है, तब तो वह व्यक्ति पापी है। तेनर पामर पाप में पापी है, उसका मुंह देखने लायक नहीं है, तो इनको उनका मुंह देखने से भी पाप लगेगा, हानि होगी। लेकिन यहां कुछ बात उल्टी थी, शिव जी के पास गया तो शिव जी यह समझ कर नहीं निकाल दिए, यह समझे कि यदि आज हमने इसको रख लिया तो इसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा, नुकसान तो इसी का होगा।
इनको तो राम जी के पास जाना चाहिए, राम जी की विभूति को जानना चाहिए। इसने राम जी का अपराध किया है तो राम जी से माफी मांगना चाहिए। यदि माफी नहीं मांगा इसने तो यह बुराई कभी इसके अंदर से निकलने वाली नहीं है। कभी कभी डॉक्टर लोग बड़े कठोर हृदय से किसी का चीरा लगा देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं कि नहीं, ऑपरेशन करना पड़ता है और अंदर तक उसको ठीक कर देते हैं। तो और समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसी तरह से शिवजी ने सोचा कि यदि हम इसको रखेंगे यहां पर आज तो इसका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। आज तो बड़ी मुश्किल से राम जी के पास गया है, यद्यपि दोष दृष्टि से ही आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपका ध्यान यहां खींचना चाहता हूं। भले कोई निंदित विचार से ही धारा से यहां आया हो, कुत्सित विचारवान व्यक्ति ही आया हो, मानता हूं उनके मन में कपट है, मानता हूं उनके मन में झूठ है, छल है, छत में फरेब है, लेकिन आज आया तो है, आने दो। राम जी की कृपा होगी, आज नहीं तो कल वो माफी मांगेंगे और राम जी उनको माफ करके अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, उसका काम तमाम हो जाएगा। और जब सबने ठुकराया, देवर्षि नारद ने कहा कि पगले इधर उधर मत भटको, जा प्रभु की शरण में। वो आया प्रभु की शरण में, भगवान ने उनको एक द्वैत और भ्रम को निकाल करके अद्वैत की दृष्टि दी। एक नयन करी तजा भवानी, एक दृष्टि दे दी। देखना, एक दृष्टि से देखो, दुविधा में रहोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा, ये प्रभु ने संदेश दिया। भगवान अत्रि मुनि के आश्रम पर आए, अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। महामुनि अत्रि बहुत प्रसन्न हुए, भगवान की बड़ी स्तुति की। माता जानकी जी ने अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। अनुसुईया के पद गहि सेता, अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरे सुशील बिनेता, वो मिली बहोरी सुशील बिनेता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाए, 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 आशीष दे निकट बैठाए, हे आशीष दे निकट बैठाए, आशीष दे निकट बैठाए, आशीष दे आशीष दे आशीष दे निकट बैठाए। अनुसुईया माता ने जानकी जी को चरणों में बैठाया, आशीर्वाद दिया। जानकी माता ने कहा कि माँ, हमें 14 वर्ष तक वन में रहना है, हमें कुछ ऐसा उपदेश दें जिससे श्री राम के चरणों में और प्रेम बढ़े। देखो, हम लोग भी एक भगवान के भक्त होते हैं, किसी के मन में किसी के प्रति श्रद्धा है, तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे को प्रणाम नहीं करेंगे, दूसरे को आदर नहीं करेंगे, दूसरों को भी आदर उतना ही करेंगे। और सबसे क्या मांगेंगे मालूम है, मुझे अपने भगवान में प्रेम हो जाए,
मैं एक बार सोच रहा था स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी जे के समान कोई श्री राम भक्त क्या होगा, इतने समर्पित प्रभु के भक्त। कभी वृंदावन गए थे और वहां इन्होंने श्री कृष्ण भगवान को, राधा रमन को प्रणाम किया, वंदन किया, तो दूसरे संतों ने ताने मार दिए, अरे बड़े राम जी के भक्त हैं और आज अपने अपने इष्ट को नमन करत सब कोई, तुलसी नमे जो दूसरों के इष्ट को, सो कैसे भक्त होए। ये तो आप दूसरों के भक्त को नमन कर रहे हैं, भगवान को, दूसरों के इष्ट को। तो तुलसीदास जी ऐसे महापुरुष, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं मानता हूं कि आप ही श्री राम हैं, है ना, किंतु अब ये मस्तक झुकने वाला नहीं है। हाँ, कहा कहो छवि आज की, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो ना, भले बने हो ना, लेकिन तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बान लियो हाथ, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बान लियो हाथ। ये मस्तक तो अब तब नबेगा, झुकेगा, जब आप धनुष बाण हाथ में धारण करेंगे। वाह रे वाके बिहारी, कहते हैं कि देर नहीं लगी प्रभु को बदलने में, कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण, अपने जन के कारण, श्री कृष्ण बने रघुनाथ, श्री कृष्ण बने रघुनाथ। तुलसीदास जी ऐसे भक्त हैं स्वामी जी। लेकिन जब मैं विनय पत्रिका का अध्ययन कर रहा था तो गोस्वामी जी को देखा कि सबकी वंदना कर रहे हैं, गाइए गणपति जग वंदन, दुर्गा जी का, शिव जी का वंदन, हनुमान जी का वंदन, और न जाने कितने देवताओं का वंदन किया है उसमें, किसी को नहीं छोड़ा। तो मैं एक बार सोच में पड़ गया, श्री राम के अनन्य भक्त हैं तुलसीदास जी, लेकिन सबकी वंदना क्यों कर रहे हैं, राम जी की वंदना का पर्याप्त है। तब बहुत चिंतन करने के बाद समझ में आया स्वामी जी कि जितनी भी वंदना उन्होंने किया है, सबकी पूजा बिनन अच्छी तरह से किया है, और मांगा क्या है, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। क्या मांगा, हाथ जोड़ करके मांगा है कि बसहु राम सिय मानस मोरे, हे गणेश जी, हे सूर्य भगवान, हे शिव जी, हे भवानी पार्वती, सबसे मांगा है, क्या मांगा, भगवान में प्रेम हो जाए, मुझे राम जी की भक्ति मिले, राम जी में प्रेम बढ़ जाए, यही एक निष्ठता है। सबकी पूजा, सबका वंदन करना, सबको मानना और मांगना अपने भगवान में प्रेम, अपने इष्ट में प्रेम मांगना। जानकी जी, किशोरी जी अनुसुईया की चरणों की वंदना करती है और कहती, माते मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़े ऐसी शिक्षा दो। तो अनुसुईया माता किशोरी जी को पतिव्रता होने का जो है ज्ञान देती है
पति प्रिया भव। तीन प्रकार की पतिव्रता बता दी, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम पतिव्रता वह है जो अपने पति के सिवा दुनिया में किसी को पुरुष नहीं मानती है। पुरुष तो एक ही है, अपना पति ही है। दूसरा वो है कि अपना पति तो है, दूसरे जो पुरुष हैं वो कोई भाई के समान, कोई पिता के समान या कोई पुत्र के समान है। ये मध्यम है। और कनिष्ठ वह है जो कभी भी गिर सकती है चरित्र से, किंतु अवसर नहीं मिलने पर संयम से रह लेती है, अपने आप को बचा लेती है, भगवत कृपा से बच जाती है। ऐसे पतिव्रता को भी कहते हैं, लेकिन यह उत्तम मध्यम नहीं है। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भाई पिता पुत्र की तरह दूसरों को देखना। और पतिव्रता के लिए कह दिया कि बिनु श्रम नारी परम गति लहै, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहै। नारियों के लिए केवल एक व्रत, बहुत केवल पतिव्रता पातिव्रत्य धर्म का यदि पालन कर ले, और पुरुष यदि एक पत्नी व्रत का धर्म पालन कर ले, तो पुरुष को ब्रह्मचारी होने का पुण्य प्राप्त होता है। एक पत्नी में मन लगाना, देखना आपका गृहस्थ आश्रम आश्रम हो जाएगा। कहते हैं ना, धन्यो गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है। कुछ बातें यदि आप नोट कर लें और इसको अपना लें अपने घर में, निश्चित तौर पर आपका घर भी आश्रम हो जाएगा, आनंद आश्रम, आनंद सदन हो जाएगा। आपका घर घर नहीं, आनंद आश्रम हो जाएगा। सानंदम सदनम सुतास्य सुधय, सानंदम सदनम सुतास्य सुधय, भार्या प्रिया लापिनी। आनंद आश्रम बनाने के लिए, अपने घर को आनंद भवन बनाने के लिए क्या शर्तें हैं, ध्यान देना। सुता सुधय, आपके पुत्र विद्वान होने चाहिए, अपने पुत्रों को खूब पढ़ाना। यही एक जगह है जहां हम कहते हैं कि आप अपने औकात से बाहर आ जाना पड़े तो आ जाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में कभी कटौती नहीं करना। पुत्र को विद्वान बनाओ, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओ। और दूसरा, भार्या प्रियालापिनी, जो धर्म पत्नी हो वो मधुर भाषी हो, कर्कश बोलने वाली नहीं हो, कड़वी बोलने वाली नहीं हो, मीठी मीठी बोले, ऐसा बोले कि कानों में मिश्री घुल जाए, मधुर शब्द का प्रयोग करें। और यदि कोई कर्कश वाली हो तो उसको संगीत की शिक्षा दो, उसको संगीत सिखाओ, उसको अपने आप स्वर में आ जाएगी। हाँ, जो सुर में नहीं है वो असुर है। न सुर है असुर, सुर में नहीं है तो क्या है वो? असुर है। उसको स्वर में लाओ। भार्या प्रिया लापिनी, मधुर बोलने वाली हो। तीसरा देखिए, और कहा, सन्मित्रम सुधनम सुयोषित रति, आज्ञा परा सेवका। आपका मित्र अच्छा होना चाहिए, सन्मित्र, असद मित्र नहीं चाहिए। गलत मित्रों की संगति में पड़ जाएंगे तो आपके मन में शांति नहीं मिलेगी, आप व्यसनों के शिकार हो सकते हैं। अच्छे मित्र बनाएं आप,
और ये हो गया तीसरा सुधनम। आप जो धन कमाते हैं एक बार इस पर जरूर ध्यान देना, हम कैसा काम कर रहे हैं, धन जो कमा रहे हैं ये माध्यम ठीक है या नहीं। आपका व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस व्यापार की वजह से किसी की जान चले जाए, ऐसा व्यापार मत करना। बेचना है तो सुगंधित बेचो, बेचना है तो ऐसे चीज बेचो जिसको लेकर के आदमी का कल्याण हो। व्यापार भी करना तो जरा देख कर करना, संभल कर करना, किसी के जान का दुश्मन बने, जानों के खतरा में ऐसे सामान क्यों बेचते हैं आप। सुधनम बेईमानी का धन नहीं होना चाहिए, पवित्र धन होना चाहिए, कमाई का ईमानदारी का धन होना चाहिए, अपने घर में यही रहे। जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों का नियोजन करते हैं कि हमारे परिवार में ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे, यही रहे, एक भी गलत सदस्य को आप घर में स्थान नहीं देना चाहते ना, इसी तरह इन सदस्यों में एक सदस्य है हमारा धन, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है। भरद्वाज ऋषि भरत भैया को ज्ञान दे रहे थे, भरत भैया ने कहा कि अर्थन धर्मन काम रुचि, मुझे अर्थ नहीं देना, नहीं चाहिए धर्म, नहीं चाहिए काम में, नहीं चाहिए निर्वाण भी नहीं चाहिए। बोले अर्थ को ऐसा क्यों कर रहे हो, अर्थ तो सबको चाहिए। बोले ये अर्थ अनर्थ कारक हो तो हमें ऐसा अर्थ नहीं चाहिए, आज अर्थ ने हमें अनर्थ कर दिया। तो अर्थ अनर्थ भी कर सकता है, इसलिए सुधनम। कितने हो गए, चार। स्वयोषितरति, अपनी पत्नी में प्रेम करना, पत्नी में प्रेम करना सबसे बड़ी बात है, अपने और पत्नी को अपने पति में प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना रहे, आदर भाव बना रहे, आदर दें। और आज्ञा परा सेवका, अपने पत्नी को अपनी बात मनवाने के लिए बारंबार दबाव देना ठीक नहीं, कभी उनके रंग में भी रंग जाना, उनकी बातों को भी मान लेना। और आपके जो सेवक हो, नौकर चाकर, वो आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी। आपने देखा कि एक मंथरा की वजह से कितना अनर्थ हो गया, क्योंकि वह आज्ञाकारी नहीं थी। आज्ञा परा सेवका, इतना होने के बाद आतिथ्यम, घर में अतिथि का, अभ्यागत का खूब सत्कार होना चाहिए। शिव पूजनम, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के जो आदर्श है वो शिव परिवार है, शिव जी है, घर में शिव जी का पूजन हो। प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे, कुछ न कुछ मिष्ठान बनता हो घर में, मीठा मधुर का भोग लगता हो भगवान को, वह मिलता हो पाने के लिए। यदि इतना कुछ है तो एक और इसके बाद, साधो संग मुपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम, घर में साधु संतों का आना जाना हो, उनके चरण पड़ते रहे, बच्चों में संस्कार घुलते रहे, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है, धन्य है। आप भी अपने गृहस्थ आश्रम को, अपने भवन को आनंद आश्रम बना सकते हैं। बहुत सुंदर संदेश दिया माता अनुसुईया ने, भगवान वंदन करके चित्रकूट से अब जाना चाहते हैं। क्यों मालूम है, प्रभु सोचते हैं कि भाई भरत जी के साथ में अयोध्या के सारे नगरवासी यहां आ गए, सबने हमें यहां देख लिया, अब तो कोई भी छोटी छोटी बात होगी तो लोग यहाँ दौड़े दौड़े चले आएंगे, फिर तो हमें विक्षेप होगा और यहाँ के वनवासियों को भी बड़ा कष्ट होगा, इसलिए हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए। पूछा कहाँ जाएं, बोले यहीं से
थोड़ी दूर पे अगस्त ऋषि का आश्रम दंडक वन है, वहां दंडक वन में निवास करें। तो भगवान चित्रकूट से चलकर नासिक की तरफ आए हैं, यहां अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम से पहले ही उनके शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि से मिले। सुतीक्ष्ण मुनि बहुत तेजस्वी है, बाल ब्रह्मचारी है, नाम भी है सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण मुनि के यह आज भगवान का आगमन है, यह जब सुना तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हमने ऐसा कौन सा पुनीत कार्य किया जीवन में, हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो प्रभु मुझे दर्शन देंगे। मुझे विश्वास नहीं होता है कि प्रभु मुझे दर्शन देंगे, न जप न तप न कोई दान कोई योग कुछ चर्या नहीं, मेरा कोई पहुंच है वहां तक। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, मुझे मेरे मन में भरोसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु आएंगे, मन बहुत उत्सुक है, प्रभु आएंगे। नहीं सत्संग जोग जप ध्याना, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, कोई जाग नहीं कोई अनुराग नहीं कुछ नहीं। एक बाणी करुणा निधान की, हाँ एक संकल्प है प्रभु का, क्या बोले सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को वही व्यक्ति प्रिय होता है जिसकी कोई गति नहीं दुनिया में, मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा नहीं है। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यह भाव समर्पण का भाव निश्चित कर ले। देखो तो संतों को, संत महापुरुष जंगल में विचरण करते हैं, किसी का और भरोसा नहीं। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है पर मन नहीं कहीं पर फंसता है, जहां हर पल चैन बरसता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। राघवेंद्र सरकार की
कभी रहते नंगम नंगा है, 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 जो मिल जाए सो चंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, कभी रहते नंगम नंगा है, कभी रहते नंगम नंगा है, नैनों से बहती गंगा है, नैनों से बहती गंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, नहीं मिल जाए तो भी चंगा है, नहीं मिल जाए तो भी चंगा है, जंगल में जो भी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी। संतों की बात निराली होती है, भक्तादि बात निराली होती है, जो फकीरी मिजाज रखते हैं जय हो, वो तो मुट्ठी में ताज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी मुट्ठी में ताज रखते हैं, कल की परवाह वो नहीं करते, कल की परवाह वो नहीं करते, क्योंकि मुट्ठी में आज रखते हैं, क्योंकि मुट्ठी में आज रखते हैं, जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, बादशाह दे नाम बलिहारी अमीरा दे, दिवे जगदीश ना फकीरा दी, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे मौज फकीरा, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे 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 मौज फकीरा दे, 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 फकीरा दे फकीरा दे, फकीरा दे फकीरा दे, फकीरा दे फकीरा दे, फकीरा दे फकीरा दे, बह बहरे मौज फकीरा दे, बह बहरे मौज फकीरा, बह बहरे मौज फकीरा दे, बह बहरे मौज फकीरा दे, बह बारे मौज फकीरा दे, कभी घृत घना कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसमें भी मना,
वाह वाह रे मौज फकीरा दे वाह वाह रे मौज फकीरा दे वाह वाह रे मौज फकीरा दे वाह वाह रे संत भगवान की जय हो। ताली से वगत हुए हरि बोल। कभी तो खांदे चना चबे ना कदी तो खांदे चना चबे ना कदी तो खांदे चना चबे ना कदी तो खांदे चना चबे ना कभी लपटा लेंदे खीरा दी कदी लपटा लेंदे खीरा दी कदी लपटा लेंदे खीरा दी बाबा रे मौज फकीरा 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 दी बाबा रे 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 मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी कभी तो ओढ़े साल दुशाला कभी तो ओढ़े साल दुशाला। जय हो। एक महात्मा जी फकीर थे बेचारे और ऐसे यूं ही पड़े रहते थे 80 घाट पर वाराणसी में घाट पर। वहां घाटों का बड़ा आनंद है, संत लोग वहां मौज लेते हैं घाटों पर पड़े रहते हैं। तो एक सेठ ने देखा कि बड़ा महात्मा बड़े अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई वस्त्र नहीं है, थोड़ी ठंडक लग रही होगी। तो उन्होंने अपना एक कीमती शाल, पश्मीने का शाल, महात्मा जी को ओढ़ा दिया और जाने लगे। महात्मा जी ने कहा, वाह ऐसे ही सब दिन करते रहो बच्चों, खूब आशीर्वाद। उधर से दूसरे दिन वह ऐसे ही चादर तान करके सोया हुआ था। एक चोर ने देखा, अरे महात्मा को इतना कीमती शॉल ओढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, इसको तो लेके जाना है। महात्मा जी सोए हुए थे चादर तान के, वो चोर आया, धीरे से एक किनारा चादर का एक किनारा पकड़ा और शॉल को ऐसे झटके में खींचा और भागा उलट करके ताकि कोई देख ना पाए। महात्मा जी ने कहा, वाह बेटा ऐसे ही सब दिन तुम करते रहो, मेरा आशीर्वाद। कदी तोड़े साल दुसाला कभी तोड़े साल दुसाला कभी तोड़े साल दुसाला कभी तोड़े साल दुसाला कभी गुदड़िया लीरा दी कभी गुदड़िया लीरा दी कभी गुदड़िया लीरा दी बाबा रे मौज फकीरा 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 दी बाबा रे 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 मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी। ताली से करते हुए हरि बोल। जय हो। मांग मांग दे टुकड़े खांदे मांग मांग दे टुकड़े खांदे। भाई माधुकरी, इसको कहते माधुकरी भिक्षा। जैसे मधु, मधुकरी, मधुकर किसे कहते, भ्रमर को, जो भ्रमर होता है, जो मधुमक्खी थोड़ा वहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, पुष्पों के रस ले लेता है और पुष्प को पता भी नहीं चलता। इतना भी मतलब कि पुष्प के पत्ते में छिद्र हो जाए, पुष्प के पंखुड़ी में छिद्र हो जाए,
मधुमक्खी केवल रस ले लेती है और किसी को नुकसान भी ना हो। संत को भी चाहिए कि जगत से थोड़ा लेना और बहुत देना, यही परमार्थी का लक्षण है। थोड़ा लेना संसार से, उनको बहुत देना, इतना अपने पुण्य दे देना, आशीर्वाद दे देना, उनका खूब विकास हो, भगवान में जुड़ जाए। थोड़ा उनसे लेना ताकि उनको कष्ट ना हो जाए, थोड़ा मांग मांग करके ले लेना। मांग मांग दे टुकड़े खांदे, मांग मांग दे टुकड़े खांदे, मांग दे टुकड़े खांदे, मांग मांग दे टुकड़े खांदे। चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी, बावारे 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 मौज फकीरा दी, बावारे मौज फकीरा दी, बावारे मौज फकीरा दी, फकीरा दी। बादशाह दे नाम अमीरा दे, बाबारे मौज फकीरा दे, बाबारे मौज फकीरा दे, बाबारे मौज फकीरा दे, बाबारे मौज फकीरा दे, फकीरा दे 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 फकीरा दे, बाबारे 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 मौज फकीरा दे, बाबारे मौज बोले संत भगवान की जय हो। जय जय श्री सीतारा। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त मुनि का एक सुजान शिष्य है, ज्ञानी शिष्य है, भगवान में बहुत प्रेम है। उनके यहां भगवान का आगमन हो रहा है, उनको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उनको एक बात याद है प्रभु की कि सो प्रिय जाके गति न आने की। जिसका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारों का सहारा भगवान है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान का नाम दीनानाथ है ना। भगवान का नाम कुबेरनाथ नहीं है, क्या नाम है? दीनानाथ का। दीनानाथ मारी बात छानी कोनी तेरे से, आखरली चुड़ा के बाबा जासी कट्ठे मेरे से। भगवान का नाम दीनानाथ है। भगवान दीन बंधु है, धनी बंधु नहीं है, ये समझना। भगवान का नाम भोलानाथ है, चतुरनाथ नहीं है। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, चतुर का काम नहीं है इसमें। इसमें तो सब भूल जाना होता है, इसमें भूलना पड़ता है। केवल प्रभु के चरण कमल याद रहे, और कुछ याद रहे या न रहे। आज सुतीक्ष्मणि की स्थिति दशा जो है बिल्कुल विचित्र है। सोच रहे हैं प्रभु का स्वागत करना चाहिए, चलते हैं, किधर जाएं? हो सकता है प्रभु इधर से आ रहे होंगे, चले इधर। अब बहुत दूर जब चले गए तो याद आया, अरे कहीं प्रभु उधर से तो नहीं आ रहे होंगे, हम इधर जा रहे हैं, आगे कुटिया में हम रहेंगे तो फिर तो भगवान लौट जाएंगे। दौड़कर वापस आए, बहुत दूर पीछे निकल गए, फिर याद आया कहीं उधर से आ रहे होंगे क्या। कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण जा रहे हैं। मुनियों को लगा कि भाई ऐसे में तो हम धोखे में रह जाएंगे। आखिरकार मुनि को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चला कहा नहीं बूझा। आज दिशा विदिशा पंथ रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आखिरकार जब कुछ नहीं समझ में आया तो बस मुनि मग माही अचल होई बैसा। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा,
तब रघुनाथ निकट चल आए, तब रघुनाथ निकट चल आए, देखी दशानिज जन मन भाए, देखी दशानिज जन मन भाए, देखी दशानिज देखी दशानिज देखी दशानिज। महाराज जी मुनि मग माही अचल होई बैसे, रास्ते में ही बैठ गए, अब चौराहे पर बैठे होंगे हमें लगता है, कुटिया के बाहर कोई चार दिशा का रास्ता होगा वहीं बैठ गए, क्योंकि यहाँ यदि हम किधर से भी प्रभु आएंगे तो यहाँ जरूर आ जाएंगे और मुझे पहचान लेंगे। बैठ गए, प्रभु का चिंतन करने लगे तो अविरल हृदय में अविरल भक्ति उमड़ पड़ी, तो भगवान की झांकी का दर्शन अंदर में होने लगा, हृदय में भगवान श्री राम जानकी और लखनलाल जी के साथ में आ गए निकट। देखा ऋषि का भाव तो विह्वल हो गए, प्रभु धन्य है भगवान, वृक्ष ओट से मुनि दर्शन कर रहे हैं। और प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, छिप करके भगवान देख रहे हैं, दर्शन कर रहे, धन्य है मुनि। और मुनि ही राम बहु भांति जगावा, भगवान ने बहुत प्रकार से जगाया मुनि को, लेकिन जागन ध्यान जनित सुख पावा, ध्यान में इतना सुख मिल रहा था मुनि को कि जग नहीं रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि बहु भांति से जगाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। आप किसी को जगाते हैं तो कैसे जगाते हैं, हो तो आप कैसे जगाते हैं, एक दो प्रकार आपको ही मालूम होता होगा, भाई थोड़ा खटखट करेंगे, थोड़ी ताली बजा देते होंगे, फिर भी नहीं जगे तो क्या करेंगे आप, पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे हो सकता है, लेकिन पानी डालना सबसे अशिष्ट माना जाता है, सबको आप पानी नहीं डाल सकते, बड़ों को कैसे पानी डालेंगे बताओ, जो आदरणीय जन है उनको कैसे जगाएंगे आप। तो भगवान जगा रहे हैं, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, हमें लगता है तालियां बजाए होंगे, थोड़े हिलाए भी होंगे, मुनि उठिए ना महाराज जी उठिए ना, फिर भी नहीं उठ रहे हैं। जागन ध्यान जनित सुख पावा, ध्यान में इतना आनंद आ रहा है कि मुनि जगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब भगवान को लगा कि कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, आंख बंद करके तो देखा तो समझ में आया, रे मेरा ही रूप का ध्यान को दर्शन अंदर में हो रहा है, जो अंदर में प्रभु का दर्शन करे फिर वो बाहर दर्शन करने के लिए क्यों भटकेगा, आंखें क्यों खोलेगा। प्रभु ने भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, 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 मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, मुनि अकुलाय
उठा तब कैसे मुनि अकुलाए उठा तब कैसे बिकल हो न मने फणे पर जैसे बिकल ही न मने फणे पर जैसे बिकल ही न मने बिकल ही न मने बिकल ही